सो फाइनली वी आर ऑन द एस्केप 650 और यार जो फर्स्ट इंप्रेशन आया ना मेरा एकदम, जैसे मैंने फर्स्ट गियर डाउन करा इस पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत सही है बाइक का। और बाइक देखने में जितनी हैवी लगती है ना, बाइक मैनोवर करने में उतनी ज़्यादा ईजी और उतनी ज़्यादा ट्विकी है। ये हालांकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ऐसा है नहीं कि मैं बाइक को ज़्यादा थ्रॉटल दे सकूँ, मगर जो रिस्पॉन्स है इनिशियल वो आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में ही पता चल जाएगा। इंजन स्मूथ है और गियर्स भी टॉल हैं। अभी थोड़ा सा बाहर लेके चल रहा हूँ यहाँ से रोड पे, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। और बाइक इजी, मतलब बाइक की हैंडलिंग है ना, हैंडलिंग बहुत सही है बाइक की यार, बहुत ज़्यादा सही है। और कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हैवी बाइक है या बहुत टॉल बाइक है। क्या सही कॉन्फिडेंस आ रहा है। ब्रेकिंग इज़ ऑसम, आई मस्ट से दिस, ऑसम इज़ द वर्ड फॉर दिस ब्रेकिंग। मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाइक स्टिल है। ये थोड़ा सा पैच ख़राब है और बिल्कुल भी इस पैच में भी पता नहीं लग रहा। देखिए आराम से, अगर मैं यहाँ इस पैच में से अगर मैं सैडलिंग करता हुआ भी निकलूँ तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब क्या हैंडलिंग है यार, दिस बाइक हैज़ गॉट सच अ नाइस हैंडलिंग। थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है। सीटिंग भी कंफर्टेबल है यार। और बाकी तो लॉन्ग हाईवे पे ही पता चलेगा कि आफ्टर कवरिंग अप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स ये कितना कंफर्टेबल है सीट। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये जो TFT है इसकी स्क्रीन है ये डे टाइम में कितनी क्लियर होगी, मगर डे टाइम में भी काफ़ी क्लियर है। सच बताऊँ मैं, काफ़ी क्लियर है एकदम, आपको पता लग ही रहा होगा। इसमें आपका RPM, ट्रिप मीटर और दो मोड्स हैं बाइक में। राइड मोड में हूँ, राइड मोड इज़ लाइक अ रोड मोड जिस पे अभी हम हैं करंटली, और एक मोड है इसमें ऑफ रोड। सो एस्केप 650 हैज़ गॉट टू मोड्स, राइड एंड ऑफ रोड। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा स्पेस सही है चलाने के लिए। मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में। आई एम सिटिंग लाइक क्वाइट टॉल और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऊंचा बैठा हूँ, मज़ा आ रहा है। और ऐसी बाइक आपके पास टूरिंग के टाइम हो तो यार अलग ही लेवल हो जाता है। लेट्स स्ट्रेच इट थोड़ा सा, 90-93 विद इन लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अभी मैं फोर्थ गियर पे हूँ। दिस बाइक हैज़ गॉट 6-speed ट्रांसमिशन। सही है भाई, सही है, सही। मतलब इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल राइडिंग दिस बाइक। और जो रोड स्टेबिलिटी है इट्स रियली ऑसम। ग्रिपिंग बाइक की बहुत अच्छी है बिकॉज इट हैज़ गॉट ब्रॉडर टायर्स। अभी इसमें दो मॉडल आ रहे हैं, एक में आपके अलॉयज़ हैं, एक में स्पोक्स हैं। तो जो मैं राइड कर रहा हूँ वो है स्पोक्स के साथ। हैंडलिंग इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, अपराइट है, मतलब कोई स्ट्रेन नहीं पड़ा एल्बोज में, शोल्डर्स में या फिर रिस्ट में। क्लच भी बाइक का लाइट है, मतलब इट्स नॉट ऑन अ हार्डर साइड। और ब्रेकिंग मेरे को बहुत सही लगी इसकी। इफ़ वी टॉक अबाउट वाइब्रेशंस, लेट्स टक इन फर्स्ट। Till 5,000 and half RPM there is no such vibration। ना ही वाइब्रेशन अंडर द सीट है, ना ही वाइब्रेशन फुट पैक्स में है, और ना ही हैंडल बार में। अबव दैट तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे लेना। बाकी ओवरऑल आई एम एंजॉइंग राइडिंग दिस रेड ब्यूटी। हैंडलिंग बहुत कंफर्टेबल है। and I think all day long you can ride this bike. और स्वीट स्पॉट वही रहेगा इसका, अराउंड 120-130 विल बी द स्वीट स्पॉट. यू कैन राइड ऑल डे. नॉकिंग नहीं है इंजन में बिल्कुल भी. आई एम इन द 6th गियर नाउ एट अ स्पीड ऑफ लाइक 70-75. बिल्कुल भी नॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है. ऑफ रोड में अभी तो जाने का मौका नहीं है, अदरवाइज़ इसका सस्पेंशन जो है वो भी चेक कर लेते हैं. मगर थोड़ा सा मैंने वहाँ पर चेक कर लिया था जहाँ पर एक ऑफ रोड पैच था. I really couldn't feel any bumps. थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं बाइक को. बाइक का जो लोअर एंड है, लोअर एंड बाइक का अच्छा है. मिड एंड इज स्ट्रॉन्ग एज वेल. आई एम नॉट श्योर अबाउट द टॉप एंड. टॉप एंड भी डिसेंट होने वाला है आई एम श्योर, क्योंकि 650cc विथ 60 bhp टॉप एंड विल डेफिनेटली बी डिसेंट. और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है यार, ऑफ रोड बाइक्स जो होती है ना, एडवेंचर बाइक, इनमें जो आपका लोअर एंड है और जो मिड एंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. दैट्स द की. तो वो इसमें है. आई कैन फील दैट बाइक हैज़ गॉट दैट टॉर्क. और देखने में बाइक जितनी बल्की लगती है, कितनी बड़ी लगती है, व्हेन यू विल राइड दिस बाइक यू वोंट फील दैट वेट. मेरे को ये अपनी इंटरसेप्टर से भी ज़्यादा लाइट लग रही है व्हेन आई एम मैनोवरिंग द बाइक इन द ट्रैफिक. मिड एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाइक का, क्योंकि अभी थ्रॉटल देते ही बाइक गॉट रियली इनटू द सेम एक्शन. देखिए, इट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्गर मिड रेंज. यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस बाइक माय फ्रेंड्स. दिस बाइक कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन मार्केट. आई मस्ट से दिस, बट स्टिल वी कांट कम टू एनी कंक्लूजन. It has really strong mid range. मज़ा आ रहा है यार इसको चला के, सच बताऊँ. ब्रेकिंग इज़ रियली ऑसम. और सबसे अच्छा यार ये TFT, ऐसा लग रहा है आपको पूरा का पूरा टैबलेट लगा हुआ है आगे. यू कैन कंट्रोल योर म्यूज़िक, एवरीथिंग फ्रॉम हियर. म्यूज़िक, कॉल्स, एवरीथिंग, सब चीज़, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है. मज़ा आ रहा है यार इस बाइक को चला के. और बाइक हीट ज़्यादा नहीं हो रही है. इफ़ यू टॉक अबाउट द हीट मैनेजमेंट, आई कांट फील एनी हीट अभी तक तो. और टेम्परेचर अच्छा खासा है अभी. आई थिंक द टेम्परेचर विल बी नियर अबाउट 35-36 जो बाहर है. और इंजन का तो टेम्परेचर पूछो ही मत. मगर स्टिल द इंजन इज़ ऑन अ कूलर साइड टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये छोटे मोटे बम्स तो आपको पता भी नहीं लगते हैं इसमें. It has got such a nice suspension. Like I'm in the 3rd gear, 30-35 की स्पीड है. There is no knocking, कोई knocking नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है बाइक में. तो यार क्या कहूँ, मतलब जितना कहा जाए उतना कम है इस बाइक के बारे में. इनिशियल जो इम्प्रेशन है मेरा तो बहुत सही रहा है. थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ब्रेकिंग, सीटिंग, टॉर्क, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच. मतलब एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच. सारी चीज़ें मेरे को तो अभी तक सब सही लगी बाइक में. इनिशियल रिस्पॉन्स बाइक का बहुत अच्छा है. जो लो एंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मिड एंड भी स्ट्रॉन्ग है. टॉप एंड के लिए हमको हाईवे पे लेके जाना पड़ेगा किसी और दिन सही. और बाकी द ब्रेक्स आर वेरी इम्प्रेसिव. दीज आर ब्रेम्बो ब्रेक्स. तो ब्रेम्बो ब्रेक्स आपको पता ही है, जस्ट नेम इज़ इनफ. बाकी तो बाइक में जो हीट मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी सही है. बाइक बिल्कुल भी हीट नहीं हुई अभी तक तो. और जो स्टेबिलिटी है एंड एवरीथिंग इज़ सो नाइस, सो गुड. आई मस्ट से दिस. सो आई एम राइडिंग द वर्जन जो स्पोक्स के साथ आता है. सो दिस इज़ द बाइक. बाइक का एक आपको 360 डिग्री दे देता हूँ मैं. रैली स्कॉर्पियन STR. और इन जो टायर्स का जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत सही है यार, सच बताऊं. तो यार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि बाइक आपको कैसी लगी। मुझे तो बाइक में अभी तक कोई फ्लॉ नहीं लगा। बाकी तो जैसे बाइक के सेल्स फिगर आएंगे उसके बाद जो यूज़र रिव्यूज़ हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक द आफ्टर सेल्स, स्पेयर्स, सर्विस इंटरवल्स, एवरीथिंग, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू फील अबाउट द बाइक। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यू गाइस टेक केयर, मिलते हैं जल्दी से। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।